अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई लोगों, इस टाइम हम मौजूद है कैंट, और यार हम लोग आए हुए हैं मेरी और नाना बू की टिकट लेने के लिए, और देखते क्या सीन बनते हैं। तो इसी के साथ लोग करते हैं स्टार्ट। सो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी टिकट करवाने के लिए टिकट घर। आधे घंटे के बाद क्या हमें, एक घंटे के बाद ना मेरे को यानी कि मिल चुकी है अब हमारी टिकट। तो मैं और नाना जा रहे हैं, तो बताएंगे नहीं अभी कि हम कब जा रहे हैं, लेकिन बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखें क्या सीन बनते हैं। तो मैं आधा घंटा खड़ा हूँ, नाना के पास खड़ा हूँ। सो दोस्तों, मेरा दिल का कि हम जैसे ही फ़ौरन अपनी टिकट कराने के बाद इस ट्रेन को मैं कैप्चर करूं, लेकिन जो उससे पहले ही चली गई। तो खैर अभी और कर लेंगे, मसला नहीं है। अभी अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और 8 पर आए हुए, तो इसका वेटिंग एरिया आपको दिखाएंगे। और अभी तो एक रेलगाड़ी खड़ी हुई थी, चली गई भी हो, तो हम लोग अभी यहाँ पर अंदर खड़े हुए थे अंदर। दोस्तों वो सामने खड़ी हुई है सैयद एक्सप्रेस, वो सुबह 9 बजे मेरे ख्याल में। दोस्तों ये है भाई खराब कराची एक्सप्रेस का लोकोमोटिव जो है HGMU30R8215, जो दोस्तों इसकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है। आप लोग उसकी इंजन की अल्ट्रा साउंड सुनाते हैं, आओ। तो इसकी अल्ट्रा साउंड है जो अभी हम उसे सुना रहे हैं। इसकी सही ब्रेकें लगी हुई इस टाइम इससे, और इसकी पावर भी ना गई। प्लेटफॉर्म का हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, तो देर में लोग ये पहुँच जाओगे कि यार अगर आप लोग इधर आते हो तो खाना है जो भी है कि बसते हो, तो उसको डस्टबिन में डाल करो कचरे को। अभी खड़े हुए थे तो ये ट्रेन मशीन लाइन पर जा रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, पता रहता है ना यार। ट्रेन देखते क्या सीन है, क्योंकि अभी चलना है बस 4:30 बजे चलेगी। उसका नाम है कराची एक्सप्रेस। तो हमने कहा इसको पहले हम लोग कैसे कर दें, जो मशीन लाइन पर लग रही है इसका नाम पूछ के बता दूँगी आपको इंशाल्लाह। तो अभी इधर एक नया चीज़ इन्होंने देखी, तो पिछली मतलब हम जो राहुल गए थे यानी कि 10 महीने पहले, तो ये चीज़ ही बनी हुई थी। तो आज ये भी हमने देखा, ये रेल वालों ने एकदम बेस्ट कर दिया। अभी हम लोगों ने ग्लास लिया 10 रुपये का, तो अभी हमें पानी पिएगी। जेंट्स लेडीज कस्मिन का जेंट लेडीज़ का फट गया ना। फेवर नंबर 8 और 7 का वेटिंग एरिया जो कि वैसे यानी कि बन चुका है, लेकिन पहले हाईवे साइडों पर थी, अब पूरा एकदम ठीक हो गया। तो इसको बाहर से बाहर से कर सकते हैं। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगाई थी, ये इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगाने के ना क्या क्या जरूरत थी लोग को। तो ले सकते हैं, ये है फेफर नंबर 7 और 8। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं फेफर नंबर 3 पर, वहाँ पर एक ट्रेन कैप्चर करने, तो वो देखिएगा कितना प्यारा जबरदस्त कैप्चर हुए हैं। G40 लगा हुआ इसके ऊपर। तो अभी नाने अभी ये कौन सी गाड़ी है, ये शाओसेन। अभी इसका क्या आ रहे हैं, शंटिंग लोकोमोटिव आ रहे हैं ना, शंटिंग लोकोमोटिव, शंटिंग लोकोमोटिव आ रहे हैं। और वो ट्रेन में वो नजर आएगी, लेकिन उधर मानी मुरी है क्या रुकी है।
तकरीबन 20 मिनट गुजर गए तो अभी तक इसका कोई लोकोमोटिव लगा नहीं है, तो मैं अभी हॉस्टल चलता हूँ नाना के पास। बेदार यार सुनो भाई, इसके दुकान सांग इतनी पावरफुल है यार, इसको कौन कैसे बोलेगा कि भाई ये बुजुर्ग हो गया है। तो ऐसे कैप्चर देख रहे हो कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़ा जबर कैप्चर हुआ है भी ना वो वैसे ही बुझाई दी, ऐसा देखो ना बोल रही है। आई थिंक पहले वो इस साइड पर आएगा, फिर से ऐसे काफ रहेगा मेरे ख्याल में, तो देखते हैं। तो नाना अब ये ट्रेन कहाँ जा रही है? अभी वॉशिंग लाइन पर ना, ये भी ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वॉशिंग लाइन पर, वॉशिंग लाइन पर जी बिल्कुल, वो वॉशिंग दोस्तों वो उस साइड पर है, उस साइड पर इससे आगे जो है वो वॉशिंग लाइन बना हुआ है। तो पहले अभी पहले इसको लेते हैं, जा रही है। शाओसेन एक्सप्रेस जो उसका नाम है, और ये डब्बा वो नया लग रहा है। तो कैमरा साफ कर, कैमरा गंदा हुआ था, तो ये 5 बजे बाद आएगी ऐसे। जमीन हिल दिया मजाक के अलावा, इटली ये पावर बैंक गई और ये आ गई इसकी मालगाड़ी। दोस्तों अभी दोस्तों इधर आने वाला है लोकोमोटिव, वही जो मैंने आपको दिखाया था, तो अभी उधर रखी ना उधर ही खड़ा होगा लोकोमोटिव, बिल्कुल उधर ही खड़ा होगा। तो ये खड़ी हुई अभी इधर ट्रेन, और नाना अब वैसे करते हैं तो नाना को कहीं बैठाते हैं अच्छी जगह पर, नाना को बैठना है वो कहीं। तो अभी अभी जैसे ही निकलेगा तो लोकोमोटिव अभी आएगा इधर, लोकोमोटिव आएगा अभी इसके अटैच होने के लिए। सो दोस्तों मैंने पार्ट 2 ही बना दिया, तो आप जाके देखें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी।